राहुल गांधी जी पप्पू हैं। आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। तेजस्वी यादव जी को पहले भी चार मिला था। चार की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो चार की जरूरत पड़ती है, और आज फिर चार मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये चार लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेल कर परिवार बाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पप्पू बताया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी दया के पात्र हैं। वह भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों का पांव पकड़कर चुनाव में जीतने की मानसिकता रखते हैं। हिम्मत ही तो केरल से क्यों भाग गए थे? उन्हें इतना आत्मविश्वास है तो अमेठी से नामांकन क्यों नहीं किया? उन्हें इस बात का डर आज भी है कि वे अगली बार चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि दया के पात्र राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों से सहयोग लेने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद बीजेपी जवाब देते हुए लगातार पलटवार कर रही है। आगे सुनिए विजय सिन्हा ने रोहिणी आचार्य और समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है। लोगों ने गिरवी रखा और देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है। और तमाम देश को कमजोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था, लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी के चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार जाते 4 लाख वोट से। राहुल गांधी जी पप्पू हैं। आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। अरे, हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? दया के पात्र लोग जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करने वाले की जमात के साथ मिलकर चुनाव में तत्कालिक लाभ उठा सकते हो, अस्थाई जनादेश न मिला है न मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब 0 सीट था तो बिहार सभा में क्या भूमिका था? अब 4 सांसद हैं, 25 में सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था। 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है, और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। सर, रोहिणी आज वापस जा रही है चुनाव में, वो रही मगर अब फिर से वापस जा रही है। जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगी, हार गई है तो। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेल कर
परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। अरे शाहबाद में एक एक्सीडेंट है, नहीं तो फिर शून्य पर आउट होते, लेकिन चार लोगों को दिया है, ये आपका राम नाम तय करेगा। अंतिम सवाल सर, आज समीक्षा बैठक हुई है सर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सर क्या कुछ फाइंड आउट सर निकल पाया, क्योंकि बहुत संभावित सीट जीत की जो थी उस पर सर आप लोग को सर? निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है, कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे, तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्रीय अभियान था मोदी को रोको, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है, और जो हम लोग हारे हैं सीट वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। दो तिहाई बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी, और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा।